अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसका बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। वीडियो एडिटिंग करते वक्त मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना गुस्सा आया था, दिल कर रहा था इसको डिलीट कर दूँ, उठा के सारी वीडियो का सत्यानाश हो गया। एंगल इसका इतना मुझे नहीं समझ में आया कि कैमरा किस तरह लगा है कि ये देखो ये टिकटॉक की शेप में ये वीडियो बनी है और जो यूट्यूब की वीडियो होती है उस शेप में ये वीडियो नहीं आई। और मैं बड़ी परेशान हूँ कि ये हुआ क्या है। तो अब मैं इसको डिलीट कर दूँ, दोबारा ये बना भी नहीं सकती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी तरह इसको अपलोड कर देते हैं, देखा जाएगा। इस दफ़ा मैंने दो शेड में वाइट और ब्लैक के साथ मैंने काम किया है, अल्फ़ाबेट बनाने की कोशिश की है, जो इस वक्त तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और बनने के बाद भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ मैंने ये कर दी थी कि मैंने पंखा बंद कर दिया था, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें मसला हुआ है, गड़बड़ हुई है। बाकी जो आपको पिंक वाले देख रहे हैं ये मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बनाए थे। इसमें मैंने नाम लिखने की कोशिश की है, एक में मैंने लिखा है मेरी सिस्टर की छोटी सी बेटी है उसका नाम आयशा है वो लिखा है मैंने, एक में मैंने अपने बेटे का नाम लिखा है रूहान, और एक में मैंने ऐसे ही कुछ वो अल्फ़ाबेट गिर गई थी नीचे वो उठा के ऐसे 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 करके डाल दी, उस वक्त किसी का नाम नहीं है वो। तो ये काम मैंने किया है आज की वीडियो के अंदर ब्लैक वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। तो अब मैंने कीचेन नहीं बनाए, अब इसी में यही बना के रख रही हूँ। तो किचन का आइडिया है दिमाग में थोड़ा सा, तो मैंने सोचा पहले ये वीडियो बना लेते फिर किचन भी बनाएंगे साथ में, थोड़ा सा कम्बिनेशन के साथ कि किचन में मैं ऊन के साथ थोड़ा काम करूँगी इंशाल्लाह। वो वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, पहले ये कर लेते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें आप, ये बहुत ज़्यादा ही छोटे अल्फ़ाबेट में, ये मैंने सिर्फ इस वजह से मंगवाया था कि ये होल के साथ है, कि मुझे उसके लिए ड्रिल मशीन, अगर मैं बड़े अल्फ़ाबेट मंगवाती तो उसके लिए मुझे ड्रिल मशीन भी लेनी पड़ती साथ, फिर उसके स्पिन भी लेनी पड़ती, बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने छोटे अल्फ़ाबेट लिए, बहुत मुश्किल है इसके अंदर करना काम, लेकिन चलो कोई नहीं, सीखने के लिए ठीक है, कम पैसों में काम चल रहा है, सीख ही लेंगे। और जब पैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला मेरे यूट्यूब चैनल से, तो फिर मैं खर्चा भी कर लूँगी, फिर बड़े अल्फ़ाबेट लेंगे, फिर बड़े अल्फ़ाबेट में काम, अच्छा अच्छा काम करेंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे, वो दिखाई भी देगा। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, सीखने में ऐसे काम चलता है। तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में गड़बड़ हो जाती है, क्लोज़अप ठीक से नहीं आता, हमारे कैमरे इतने अच्छे नहीं हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि अच्छे वाला कैमरा ले सकें, मोबाइल ले सकें, तो सस्ते वाले से काम चला रहे हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो हम अच्छे वाली महंगी चीज़ें भी ले लेंगे। तो आपका साथ रहा तो हम ज़रूर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। ये मैं अपने बेटे का नाम लिख रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी इसमें भी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि ये भी मुझे नहीं आता, सीख रही हूँ कि किस स्टेज पर अल्फ़ाबेट इसके अंदर डाले जाते हैं। ये मैंने जल्दी डाल दिए थे, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, डाल दिए तो डाल दें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे बेहतर कर सकें। चाबियां डालते हैं, चलो निकाल के दिखाओ, चलो निकालना शुरू करते हैं। तो जी आप देख सकते हैं फाइनल शक्ल इनकी ये है। तो इसमें भी वीडियो क्लोज़अप नहीं मैं दिखा सकी आपको, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, अगर आप इसका क्लोज़अप देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे ब्लैक वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ, कहीं कहीं ब्लैक ज़्यादा हो चुका है और कहीं कहीं कम है, तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत आला ऑसम। ये मैंने नाम लिखा है आयशा का, उसमें मैंने अपने बेटे का नाम लिखा है, तो ये आयशा के लिए गिफ्ट है, मेरी तरह से किचन बनाकर मैं उसे गिफ्ट करूँगी, जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपसे। तो अब तक के लिए हम आपसे लेते हैं, हम कहते हैं आपको अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।